कोई कितना भी ताकतवर हो, ड्रग्स पे और इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स जितने भी हैं, इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है। जो लोग भी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है, फौरी तौर पर खत्म कर दे कार्रवाई। ये अल्टीमेटम है, चेतावनी है कि खत्म कर दें इस फील्ड से, हट जाए और ये ड्रग्स बेचना छोड़ दें, वरना जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे आपको बख्शेंगे नहीं। सर्जिली नामे मन की जेर सदारत महकमा एक्साइज और नार्कोटिक्स कंट्रोल विंग के अफसरान का अहम इजलास कराची डायरेक्टोरेट ऑफ एक्साइज एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल में हुआ। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल सलीम राजपूत, डीजी नार्कोटिक्स कंट्रोल विंग उस्मान गनी सदीकी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सीनियर वजीर सर्जिल इनाम अहमद को सुबह भर में मंशात के खिलाफ ऑपरेशन और जारी कार्रवाईओं पर ब्रीफिंग दी गयी। इस मौके पर सीनियर वजीर सर्जिल इनाम अहमद ने नार्कोटिक्स कंट्रोल विंग अफसरान को मंशात के खिलाफ रोजाना के बुनियाद पर सख्त और फैसला कुन कार्रवाईओं की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि मंशात फरोश माशरे के लिए नासूर बन चुके हैं, इनको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम अहमद ने कहा कि मंशात के खिलाफ हर छोटे बड़े शहरों में सख्त और मौसर कार्रवाईयां की जाएं। पुलिस भी एक्साइज टीमों के मावनत के लिए हर वक्त तैयार रहेगी। इन्होंने कहा कि मंशात के खिलाफ हुकूमत सिंध की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस पर मबनी है। मंशात फरोशी में मुलव्वज़ किसी भी मुजरिम के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। मुकदमात की प्रोसिक्यूशन को मजीद मजबूत बनाया जाए ताकि मंशात फरोश अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच सकें। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम अहमद ने कहा कि बैनुल सूबाई सरहदी इलाकों पर चेकिंग के निजाम को मजीद सख्त किया जाए। हुकूमत सिंध मंशात के खिलाफ बेहतर से बेहतर नतीजे चाहती है।